पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संकटग्रस्त संदेशखाली में स्थानीय लोगों ने गुरुवार को आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद जश्न मना रहे हैं। शाहजहां पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और जमीन पर कब्जा करने का आरोप था। सभी ने इलाकों में खूब मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया। बता दें कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आरोपी को पश्चिम बंगाल पुलिस निदेशालय कोलकाता में भवानी भवन लाया गया है। पिछले कुछ दिनों से संदेशखाली इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोग सड़कों पर आ गए और खूब मिठाइयां बांटी और खुशी में झूमने लगे। सभी ने पिछले 55 दिन से फरार चल रहे शाहजहां की गिरफ्तारी का जश्न मनाया। एक स्थानीय ने कहा, हम बहुत खुश हैं कि आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और वो इस इलाके में कभी वापस ना आए। उसने इलाके के कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। इसी तरह एक महिला ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की और कहा, हमें उम्मीद है उसके अन्य सहयोगी को भी सलाखों के पीछे डाला जाएगा। वहीं आपको बताएं कि संदेशखाली कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। ये क्षेत्र सुंदरबन की सीमा पर स्थित है। नदी किनारे बसा है। शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों को लेकर एक महीने से अधिक समय से यहां विरोध प्रदर्शन चल रहा था। बता दें कि क्षेत्र में शाहजहां और उनके समर्थकों के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने और अधिकारियों से बचने के लिए स्थानीय टीएमसी नेता के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद से यहां अशांति का माहौल उपज गया था। आरोपी शाहजहां को गुरुवार सुबह मीनाखा में एक घर से गिरफ्तार किया गया था, जो कि संदेशखाली द्वीप से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने बताया कि शेख कुछ साथियों के साथ घर में छुपा हुआ था।